निजमयो देवा महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जग वंदन अंजन सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट ना आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। लंकेश रावण किसी भी क्षण हमारे प्राण हर सकता है और आपकी ही तरह मेरी मुक्ति भी श्री राम के ही हाथों होगी। तुम क्या चाहती कि दशरथ लंकेश रावण अपनी पराजय स्वीकार कर ले आत्मसमर्पण कर दे उस वनवासी राम के समक्ष? असत्य और अभिमान के मद में चूर रावण ने हमारी एक नहीं सुनी। उसने बार बार हमारा उपहास किया जिसके लिए अब ये युद्ध करना अनिवार्य हो गया है। प्रभु श्री रामचंद्र की प्रभु श्री रामचंद्र की। सभी लोग भली भांति जानते हैं कि धर्म और सत्य से बड़ी शक्ति इस संसार में और कोई नहीं है। यह हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है, इसीलिए हमारी विजय सुनिश्चित है। लंका के वीरों और मेरे सैनिकों, लंका के लंबे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक तुच्छ समझे जाने वाले नरों और वानरों के साथ हमें युद्ध के लिए प्रस्थान करना पड़ रहा है। मैं दशरथ नंदन राम इस सुबेल पर्वत को साक्षी मानकर राक्षसों के विरुद्ध इस महायुद्ध की उद्घोषणा करता हूं। ये युद्ध नहीं है वीरों, ये प्रतिशोध है। प्रतिशोध है उस अपमान का जो उन तुच्छ वानरों और नरों ने हमारी बुआ शूर्पनखा के साथ किया है। हमें उन दुष्ट कुमारों के साथ साथ उन वानरों का भी वध करना है। मुझे विश्वास है अपने वीरों पर कि इस युद्ध का परिणाम कुछ ही समय में निकल आएगा, क्योंकि मेरे ये राक्षस वीर देखते देखते ही उन वानरों को अपने पैरों तले कुचल देंगे। दया आ रही है मुझे उस राम पर, दया आ रही है। मैं चाहता हूं कि उस राम को जीवित ही बंदी बनाकर यहां लंका में लाया जाए और उसकी पत्नी सीता के समक्ष उसका वध कर दिया जाए। ताकि हमारे शत्रुओं को हमारे प्रतिशोध का सदा स्मरण रहे।
सदा स्मरण रहे। और मेरे राक्षस वीरों, अंत में विजय की कामना करते हुए हमारी लंका की इस रक्ष भूमि से युद्ध की घोषणा करता हूँ। इंद्रजीत मेघराज के
श्री राम, लंकेश पुत्र मेघनाथ अपने दल और बल के साथ आया। बचकर तो तू चला गया था वानर, पर इस युद्ध भूमि से बचकर नहीं जा पाएगा। यदि तुझमें साहस है तो अपने प्राण बचा कर दिखा। बस वानर, जय श्री राम। ये ले।
किसी चरानी देखी कपि पीरे किसी चरानी देखी कपि पीरे जहाँ तहाँ कट कटाई भट भीरे जहाँ तहाँ कट कटाई भट भीरे गौदल प्रबल पचारी पचारी गौदल प्रबल पचारी पचारी लरत सुबट नहीं मान ही हारी लरत सुबट नहीं मान ही हारी प्राण बचाकर भाग मत इंद्र जी भागने से तेरे प्राण नहीं बचने वाले जय श्री राम युवराज की जय हो शीघ्र बोलो क्या कहना चाहते हो महाराज ने आपके लिए संदेश भेजा युवराज कैसा संदेश उन्होंने आपको माया शक्ति से युद्ध करने के लिए कहा है सब बताए पिताश्री ने इन वानरों को वश में करने के लिए मायावी शक्तियों का प्रयोग करना ही उचित होगा पिताश्री तक ये संदेश पहुंचा देना कि उन्होंने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे जो आ गया युवराज जाओ चलो सारथी
शुक्र मेघनाथ, तुम्हारे मुखमंडल की आभा बता रही है कि आज तुम युद्ध में विजयी होकर लौटे। हाँ पिताश्री, उन वनवासी कुमारों का अंत हो गया है। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।